18 से 20 दिसंबर तक जुबली इंटर कॉलेज के मैदान में शरद नाबार्ड शरद मेला का आयोजन किया गया है, जिसके संबंध में नाबार्ड की DDM दीप्ति पंत ने बताया कि मेले का मुख्य उद्देश्य समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट को बाजार उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि मेले में करीब 50 स्टॉल लगाए जाएंगे। इसमें आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट और टेराकोटा और काला नमक की प्रदर्शनी लगाई जाएगी और विपणन का कार्य भी किया जाएगा, जिससे उन्हें अपने उत्पादों की क्वालिटी और बाजार में हो रहे डिमांड की जानकारी मिल सके और वे बेहतर प्रोडक्ट तैयार कर बाजारों में बेचकर आत्मनिर्भर बन सके। इस संबंध में गौरव पुनी से बात करते हुए नाबार्ड की DDM दीप्ति पंत ने कहा, मैं दीप्ति पंत, DDM नाबार्ड गोरखपुर। नाबार्ड हमेशा से जैसे ग्रामीण किसानों महिलाओं की समृद्धि में सहायक रहा है, उसी क्रम में नाबार्ड जो ग्रामीण महिलाएं हैं, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं और जो हमारे ग्रामीण दस्तकार हैं, उनके जो उत्पाद हैं उनकी विपणन की व्यवस्था के लिए भी हम बहुत तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उसी कड़ी में एक ये है कि हम एक मेले का आयोजन कर रहे हैं गोरखपुर ज़िले में, शरद नाबार्ड शरद मेला। इसमें जो हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और जो हमारे ग्रामीण दस्तकार हैं, उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। ये प्रदर्शनी 18 से 20 दिसंबर को राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के ग्राउंड में लगाई जा रही है और इसमें जो महिलाएं होती हैं और जो दस्तकार हैं उनको एक मौका मिलता है कि वो ग्राहकों से मिलकर के उनको ये पता चले कि वो किस तरह के प्रोडक्ट डिमांड में हैं और उनको किस तरह से बेहतर मार्केटिंग की उनको ज़रूरत है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको नहीं पता चल पाती है कि मार्केट में क्या चीज़ चल रही है। तो बहुत सारे इस तरह की इनिशिएटिव्स में हमारा ये एक प्रयास है कि महिलाओं और दस्तकारों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल सके, जिनसे उनके उत्पादों को और उनकी द्वारा बनाई गई चीज़ों को एक बेहतर मार्केटिंग की इनकी व्यवस्था हो सके। मैडम, जो मेला लग रहा है, कितने जिले के लोग इसमें शामिल होंगे और टेराकोटा क्या है वो जो? हाँ, इस गोरखपुर में जो अभी प्रदर्शनी लगाई जा रही है उसमें गोरखपुर के आसपास के 5 जिले जैसे बस्ती, संत कबीर नगर, देवरिया और महाराजगंज के जिलों के भी स्वयं सहायता समूह और दस्तकार शामिल होंगे। और गोरखपुर ज़िले का जो सभी जानते हैं एक जिला एक उत्पाद योजना जो है सरकार की, ODOP जिसको बोलते हैं, उसमें टेराकोटा और काला नमक चिन्हित है। तो गोरखपुर ज़िले से हमारे टेराकोटा के दस्तकार और काला नमक चावल, इन सब के भी स्टॉल लगेंगे। तो ये दोनों उत्पाद हम आपको प्रदर्शनी में देखने को मिलेंगे।